वुमन ग्रुप के लिए बहुत से चर्चे ऐसे डगमगा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा चर्च है जिसमें औरतें इस कदर स्ट्रांग हैं, घंटों घंटे दुआ करनी पड़े तो इनके लिए मुश्किल नहीं। जोरदार ताली वुमन ग्रुप के लिए बजाएंगे जो इस चर्च की सपोर्टिव है। और मैं कह रहा हूँ कि चर्च की ग्रोथ और स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम सब खड़े होंगे, हवाला पढ़ेंगे लूका 10 बाब और उसकी 5वीं आयत। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। लूका 10वां बाब 5वीं आयत। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। When you enter someone's house, ये सब के लिए है। फर्स्ट से May God peace be on this house. दुआ करेंगे। खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, जैसा कि तू प्यार खुदा हमें इतना वेदर खराब होने के बावजूद भी हमें हिम्मत और दिलासा दिया, ताकत दी, तेरी हैकल में आकर हम तेरी इबादत कर सके। आज के कलाम पर तेरी बरकत चाहते हैं और जितने तेरे घर में आए हैं एक एक के खानदान के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चे के लिए बरकत की सलामती। सब कुछ मानते थे मुकदस चल रही ये सुनाम से आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। जो टॉपिक है वो है मेरे जिसो 3 P's, जिनको ड्रेसअप होने का शौक है ना, खासकर मर्द को, ये 3 P's सूट पहनते हैं जिसमें ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आज हम सीखेंगे कि ये दर्जी है 3 P's कैसे सिलाई करते हैं, यही सीखना है। 3 P's, 3 कलामे मुकद्दस में सुकून। वैसे तो बहुत सी जगह पे बहुत से अल्फाज हैं, लेकिन आज हम 3 बातें देखेंगे कि ये जो सुकून है, और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो इस घर की सलामती हो। पहले नंबर पर हम कलीसियाई तौर पर आज से जब भी किसी भी घर में दाखिल हो जो हमारा नहीं है, हमारे फ्रेंड्स का है, कलीसिया का, रिलेटिव का, क्या कहना है जी, इस घर की सलामती हो। कदम रखते ही पहली बात इस साल में हमने क्या करनी है कि अपने जो घराने हैं जिनके साथ आपका तल्लुक है, क्योंकि यही रिलेशंस जब आपकी कश्ती डगमगाएगी तो आपके साथ खड़े होंगे। तो जलना किस बात से, सलामती चाहे किसी के भी घर में आप जाते हैं तो क्या लिखा है, जो हमारा टॉपिक है वो है 3 P's, 3 सुकून कलामे मुकदस में आए हैं। शॉर्ट सर्मन है, लेकिन वो क्या है, इन हिब्रियो शालूम, जो हिब्रियो है, जो जूश है, वो शालूम अपनी सलाम में भी शालूम का लफ्ज यूज करते हैं, जो कि 5 चीजों का मुरक्कब है। एक ही लफ्ज के 5 मानी है। गुड हेल्थ, जब जूश शालूम कहते हैं तो आपको खुदा तंदुरुस्ती दे, शालूम। सेफ्टी, खुदा आपको महफूज रखे, शालोम के मानी। वेल बीइंग, खुदा आपको खुशहाल रखे। प्रॉस्पेरिटी, खुदा आपको बरकत दे। फ्रेंडलीनेस, खुदा आप पर मेहरबान रहे। सो ये 5 चीजें शालोम के मानी है। सो ये जूश कल्चर में जब वो अपनी सलाम, अपनी ग्रीटिंग जो है शालोम के लफ्ज से करते हैं, जिसके ये 5 मतलब हैं। लेकिन इस साल जिस किसी के भी घर में हमने जाना है, खुदावंद इस घर की सलामती हो, ये पहली बात हमने आज सीखनी है। जो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जो यहां पे बैठे हैं, सिंबल ऑफ पीस आज है हमारा मजमून, सुकून, सिंबल ऑफ पीस। रोमन Empire used olive branches, sign of peace. This sign is even shown on their coins. So ये जो पहला sign है, इसका जब कभी देखें तो मतलब सुकून है। तो जो Roman Empire है, इन्होंने जब जंगें लड़ी हैं, फतह किया है, तो जब
अपना स्टॉप किया था सारा कुछ, तो ये साइन क्रिएट किया था जिसका मतलब है नो वार, कोई लड़ाई नहीं इसके बाद, सुकून। इंटरनेशनल पीस सिंबल फॉर पीस मूवमेंट, दिस बैज वॉज क्रिएटेड इन 1958 after the World War II. ये दूसरा जो साइन, इसका ये भी पीस सुकून का साइन है, ये दूसरा साइन जब वर्ल्ड वार टू खत्म हुई थी तो ये जहां पर भी साइन दिखाया जाता था उसका मतलब ये था कि नो वार, अब जंग नहीं, ये दूसरा साइन था। और तीसरा द वी साइन, पीस साइन ऑफ बॉडी लैंग्वेज, अगर आपके पास वो फ्लायर पहला वाला नहीं दूसरा नहीं, सो पीस साइन फॉर बॉडी लैंग्वेज, दिस साइन वॉज यूज इन USA 1960 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट वियतनाम वॉर। वियतनाम की जब वॉर हुई थी तो जब स्टॉप किया गया था तो अमेरिका ने 1960 में ये साइन, जब आप देखते हैं कई लोग फेसबुक पे टिकटॉक करते हैं या इंस्टाग्राम पे ये साइन जब देखते हैं तो इसका मतलब पीस सुकून है। कोई भी आप इस तरह दो उंगलियां करता है तीन इधर और दो, इसका मतलब पीस है, जो आज का मजमून पीस सुकून ये है क्या। पहली बात, पीस इन फ्लड। अब यहां पे जो निशान फ्लड जब हुआ है नू का तूफान, तो ये पहला जो पीस है जब जिंदगी तूफानों का शिकार हो जाए फिर हमने कौन सा पीस मांगा है। दाशनोवा बारह से बन गया लिखा और खुदा ने कहा जो अहद में आपने और तुम्हारे दरमियान और सब जानदारों के दरमियान जो तुम्हारे साथ हैं पुष्ट दर पुष्ट हमेशा के लिए करता हूं, उसका निशान ये है जो मिडल वाला पीस था कि मैं अपनी कमान को बादल में रखता हूं। I have placed my rainbow in the cloud. आप देखते हैं बारिश जब होती है तो रेनबो निकलती है। रेनबो का क्या मतलब, ये खुदा ने एक साइन दिया है पीस का, जैसे इंसानों ने क्रिएट की है इसी तरह जब रेनबो निकलती है बारिश के बाद तो उसका मतलब खुदा ने अहद किया था इंसानियत से, जानवरों से, जानदार चीजों से कि जब रेनबो आप देखते हैं तो ये मेरा साइन है कि ये पीस इसके बाद मैं तबाह नहीं करूंगा। और ऐसा होगा कि जब मैं जमीन पर बादल लाऊंगा तो मेरी कमान बादल में दिखाई देगी, जब बारिश होगी बादल होंगे फ्लड आएंगे, लेकिन जब वो निशान आ जाएगा वह उसका मतलब क्या है। कई लोग कहते हैं अच्छा जी आप जो फ्लड आते हैं ये फिर वो जो उसका क्या साइन है, फ्लड भी आने हैं लोगों ने भी मरना है, लेकिन फर्क ये है कि उस वक्त सारी दुनिया फ्लड से मरी थी, अब जब फ्लड आएंगे तो सर्टेन एरिया तबाह होंगे, सारी दुनिया उससे नहीं मरेगी फ्लड से। और मैं अपने अहद को जो मेरे और तुम्हारे और हर तरह के जानदार के दरमियान है याद करूंगा। खुदा का अहद ना सिर्फ इंसानों के साथ, जानदार जो ये चीजें परिंदे चरिंदे उनके साथ साइन है, जब ये रेनबो का साइन देखोगे तो उसका मतलब होगा सुकून है और तमाम जानदारों की हलाकत के लिए पानी का तूफान फैलना होगा। नो के बारे मरदे रास्तबाज अपने जमाना के लोगों में बेऐब और खुदा के साथ साथ ये चलता है। नो ने गुनाह के खिलाफ मना दे, आप कई बार देखते हैं जो मेरे सरमन में हमेशा जो गुनाह है उसके खिलाफ मना दी है। अगर मेरे जीसो वो पास्टर जो सिर्फ लालीपॉप देते हैं लोगों को लेकिन उनकी तरबियत नहीं करते वो ठीक नहीं है। लालीपॉप से सारे खुश होते हैं, वाजी बाप बहुत अच्छा किया है, अपनी सिस्टर हैं जो भाई अनवार हैं उनकी वाइफ सिस्टर एल्वा मुझे कहते हैं वाजी साहब आप कभी मोहब्बत के ऊपर भी मैसेज दे, मैंने कहा दूंगा, जब मोहब्बत वाली आती है ना तो वहां पर भी कुटाई आती है। मोहब्बत कैसी है, ये खुदा ने मुझे नहीं गिफ्ट दिया,
मेरा गिफ्ट जो है वो तरबियत का है और गुनाह के खिलाफ है। यहां पर नून नबी 120 साल तक मुनादी कर रहा है। 120 साल में कश्ती बनी थी, 120 साल एक एक कील, एक एक हथौड़े की आवाज नेबर को जाती है, दोस्तों को जाती है, फ्रेंड्स को जाती है, उस एरिया को जाती है कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, फ्लड आने वाला है। खुदा ने मुझ पर जाहिर किया है कि सारी दुनिया फ्लड से तूफान हो जाएगी। तुझे सुकून चाहिए, तुझे आराम चाहिए, तुझे अपनी जान को बचाना है। लेकिन मेरे जीजो क्या होता है, हर शख्स उसकी नहीं सुनता। वो जो ही देखते हैं ऊपर आसमान पर सूरज है, ये किस फ्लड की बात कर रहे हैं। लोगों की शादियां हो रही हैं, लोग मकान बना रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो 120 साल की मुनादी इसलिए हुई थी क्योंकि मेथुसला जो है 969 उसकी उम्र हुई है, उसके बाद जैर जो है उसकी 962 है और नू 950 ईयर उसकी उम्र थी। जब नू मरा है 950 साल उसकी उम्र, लेकिन 120 पर कर दी, क्योंकि एक एक दिन हमारी जिंदगी का हमारे लिए चैलेंज है। एक एक दिन मेरी और आपकी जिंदगी का मेरे लिए और आपके लिए वार्निंग है, लेकिन हम इस बात को नहीं जान रहे। हमें भी बताया जा रहा है क्राइस्ट आने वाला है, यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन मेरे अजीजो उस वक्त जो नूह के जमाना में लोगों ने किया है, आज भी मैं और आप वही कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं इस बात को सोचते कि यीशु मसीह आएगा। लेकिन अगर किसी ने सुना है तो वो नूह का खानदान है, इसीलिए नूह और उसकी बीवी और बच्चे और बहू 8 जाने हैं जो बची हैं और जो सुकून में हुई हैं। बाकी सारी की सारी दुनिया तबाह हो गई है, सोते जमीन से फूट निकले हैं, आसमान से मेरे अजीजों खिड़कियां खुल गई, बारिश नीचे से बारिश ऊपर से हो रही है और इंसानियत तबाह होता जा रहा है। मेरे और आपके लिए भी आज चैलेंज है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन क्या ये 120 साल जो 950 से काट कर 120 कर दिए, क्या मैं और आप हर एक दिन को वैल्यूएबल समझ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं समझते तो आज मौका है, जो नूह के तूफान में हुआ है वही मेरे और आपके और खानदान के साथ होगा अगर हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। जोरदार उसकी सताइश करें। हालेलुया। ये खानदान बचा है, सुकून चाहते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है, लेकिन अपने वे से चाहता है। तूफान के बाद जब निकला है, मेरी और आपकी जिंदगी में भी कई बार खुदा तूफान भेजता है। कई बार सारे भले मसी शैतान नु दे जाने हैं, शैतान की वजह ना जो है, शैतान की वजह। कलाम में लिखा है खुदा भेजता है, और खुदा जब भेजता है तो तूफान से निकलने के बाद हमने क्या किया है? क्या उस वक्त ही जब हमें इधर से पीछे से आगे से ऊपर से नीचे से धक्के पड़ रहे हैं, क्या उसके बाद भी हमने कुछ किया है? नूह ने मसबा बनाया था। मैं और आप कई प्रॉब्लम में से, मुश्किलात में से, हमारे खानदान, हमारे बच्चे ड्रग में, बेरा में, गैर मजहब में, फ्रेंडशिप, खुदा हमें कई बार वहां से खींच कर लाता है, लेकिन मजबा नहीं बनाते। उम्र 950 साल से काट कर 120 साल कर दी, क्योंकि इंसान के लड़क बनने से इरादे और ख्याल बुरे रहे हैं। खुदा ने सोचा इतनी उम्र देकर इसको क्या करनी है। जो मनादी का एक एक दिन है वो दिया, 120 साल काट के इंसान की उम्र काट दी कि मैक्सिमम इंसान जो है 120 साल जिंदा रहेगा। लेकिन अगर तूफानों में से गुजरे हैं तो क्या मैंने और आपने मसबा बनाया है कि नहीं?
मैंने और आपने घर में प्रेयर करते हैं या नहीं, मैं और आप घर में स्टडी करते हैं बाइबल की कि नहीं, मैं और आप खुदा के लिए कुछ है। मेरे अजीजों, हर रोज आवाज आती है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, यीशु मसीह आने वाला है, क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या नूह के खानदान की तरह ये कश्ती एक चर्च, एक कलीसिया, एक खानदान होगा? लेकिन अगर वो लोग जो सुनने के बाद भी हट धर्म होकर, सख्त दिल होकर उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, वो मेरे चीजों इस दुनिया में रह जाएंगे जिस तरह नूह के तूफान में ये हुआ था। लिखा है सिर्फ नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ था, नूह और उसका खानदान सिर्फ बचा। क्या मैं और आप बच सकते हैं? तूफान इस शख्स की जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। एक एक को प्राइवेट पूछूं ना, सबकी फर्क फर्क और हजारों प्रॉब्लम और मुश्किलात हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे चीजों कि ये मुश्किलात हमेशा हमारे साथ रहेंगी। कई बार हम बड़े बड़े तूफानों से बच कर भी मजबा नहीं बनाते। अगर आप सुकून चाहते हैं, और फिर क्या होता है जब मजबा नहीं ना बनता तो वो प्रॉब्लम किसी और तरीके से फिर धंस जाती है। और वो ना बदरुए साता और अपने ना लैन दिया ने, ये सात और प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा, एक्चुअली वो सिर्फ नहीं बदरुआ देने चक्कर है, सात और प्रॉब्लम्स उसके साथ आएंगी। मजबा बनाए, किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम मुसीबत से आप निकले हैं तो मजबा बनाइएगा, कुर्बानी दीजिएगा, शुक्रगुजारी कीजिएगा कि खुदा ने मुझे सेव किया है, बचाया है, जिस तरह नूह के खानदान को किया था। दूसरा जो पीस है, पीस इन वेल्थ। जब जिंदगी दौलत हासिल करने में बेसकून हो जाए, काम सबको करना पड़ता है, करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन कुछ हैं वो ग्रीड करते हैं ताकि, और वो ये नहीं जानते। हमारे एक इधर भाई होते थे, उन्होंने मेरे ख्याल 15 साल में ऑलमोस्ट 60 ईयर में जितने लोग घंटे काम करते हैं उतने घंटे काम किया और 50 साल की उम्र में मर गया था। किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए? अगर मुझे और आपको रोज की रोटी चाहिए तो उससे ज्यादा अगर किसी के लिए कुछ हो सकता है तो करें। मोस्टली जो इंसान है, और स्पेशली हम जो अमेरिका में आए हुए हैं, हम अपनी लाइफ को दूसरे जो एंजॉय करते हैं ना, असल अमरीका जरा पाकिस्तान जिते रहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, करना चाहिए, लेकिन अपने आप को केले करके नहीं। ये दूसरा सुकून जो हमने अपना जाया किया हुआ है वो दूसरों की वजह से है। पहला तीमोथियुस 6 बाब 9वीं सदस्यवाद में लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिश में फंसते हैं, बहुत फुलिश एंड हार्मफुल डिजायर्स, जो आदमी को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। ऑल काइंड ऑफ इवल जर की दोस्ती है। कई लोग हैं उन्होंने पैसे को रिश्तों से भी ऊपर रखा हुआ है। रिश्ता जाता है जाता रहे, फ्रेंड जाता है जाता रहे, लेकिन अगर मैं मेरे पास है तो मैं हेल्प नहीं कर सकता। रिश्तों को तरजीह दीजिएगा कि पैसे आने जाने वाले हैं, आज यीशु मसीह आ जाता है सब कुछ इधर ही रह जाना है। दूसरा सुकून जो तबाह किया हुआ है इंसानियत ने, वो है दौलत का सुकून, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर, जिसकी आरजू में है संडे है छुट्टी, संडे वाले दिन भी काम करना है, 6 दिन खुदा ने, 7वां दिन आराम ले, उन्होंने 7वां दिन भी अपने आप में बेसकून किया है। कोई शख्स ये प्रूव करके दिखाए कि 7वें दिन काम कर से वो दूसरों से बेहतर हुआ हो फाइनेंशियली, नहीं होगा। खुदा ने इस दिन को मुबारक कहा है, खुदा ने खुद 7वें दिन आराम किया है। 7वां दिन मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी उसके हजूर में आकर करें।
और जिसकी आरजू में बाज़ ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। देखो जरा पैसे के पीछे दौड़ दौड़ के, सम पीपल ईगर फॉर मनी, प्यास नहीं बुझती, कंटेंटमेंट नहीं होती, सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो रही। ईगर फॉर मनी हैव वंडर्ड फ्रॉम द फेथ, ईमान को भी पीछे छोड़ दिया, ईमान को भी पीछे छोड़कर पैसे के पीछे भागना है जो बेसुकून करता है। पीस की बात कर रहे हैं, और पियर्स्ड देमसेल्फ विद मेनी ग्रीव्स। पियर्स होता है ये जो कान छेदाती हैं औरतें बाली डालने के लिए, जो सुराख आपकी बॉडी में करना पड़ता है, ये है कई सुराख हमारी बॉडी में इस वजह से हैं कि हम जो रोज की रोटी है या खुदा का अरेंजमेंट है उसको छोड़कर हम मनी के पीछे, पैसे के पीछे दिन रात भाग रहे हैं। और लूका 12 बाब 16 आयत में लिखा है, और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई, बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी पैदावार करूं। इतनी पैदावार हुई, दूसरे लफ्जों में उस शख्स की औकात से बढ़कर खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया। पैदावार इतनी हो गई कि उसको सोचना पड़ रहा है, और उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा। पहली बात, अनाज, पैदावार, पैसा इस कदर खुदा ने दे दिया, बंदे को समझ नहीं आ रही संभालना कैसे है। मुझे एक बात, जब मैं गाड़ियां बेचता था, एक काले की लॉटरी लगी, उसने आते ही गाड़ी लेनी थी, सेफ दैट आई वांट टू बाय दिस कार, मैं श्योर, उसने ना पूरा कैश दिया गाड़ी का। सुनना जरा, अगर, और इसके बाद हम जो सेल पर्सन थे उनको पता है कि ये पैसे कमाते हैं, उसने लिटरली मुझे $500 टिप दी। आगे जा रहा है तो आगे वो फोन ऑपरेटर बैठी है, $1,000 उसको दे दिया। तो फ्ला आया है, पानी 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 के पास गया है, किसी ने पुराने कपड़े पहने, 500 उसको दे दिया है। वो सारे अपने पैसे बांट कर चला गया, और आई गारंटी के बाद में वो जहां का था वहां का वहां ही रहा हुआ। वजह क्या थी? वो जो कुछ मिल गया है उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो इसी तरह इस शख्स के साथ हुआ है, और इसने कहा मैं अपनी कोठियां डाकर बड़ी बनाऊंगा, अपना सारा अनाज उसमें रखूंगा, आई विल टियर डाउन माई बॉन्ड्स एंड बिल्ड बिगर वन, उससे बड़े बड़े बॉन्ड्स बनाऊंगा, और अपनी जान से कहूंगा क्या, ए जान तेरे पास बहुत सालों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। Now take it easy. अब hard work करने की जरूरत नहीं है। Eat, drink and be merry. Merriment जो है, जिसका मतलब है रंग रलियां मना, ऐशोतर्ब करना, पुर लुत्फ होना। ये क्या है? इसको मिला है लेकिन ये wrong way पे चला गया है। किसमें? खा पी, खुश रहे, और जिसमें रंग रलियां मिला, जिसमें ऐशो तर्प, ऐशो इशरत कर, पर लुत्फ, तुझे सुकून आ गया, अब बहुत कुछ आ गया है। मगर खुदा ने उसे कहा, ए नादान, यू फूल, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? यू फूल, यू विल डाई दिस वेरी नाइट, आज रात को मर जाएगा। देन हु विल गेट एवरीथिंग यू वर्क्ड फॉर, जिसके लिए तूने मेहनत की, जिसके लिए तूने काम किया, कौन इसको लेगा? क्योंकि जो
दो तरीके कार हैं। एक है जब मैं और आप भागते हैं पैसे के पीछे, जो पीछे पैसे के भागते हैं पैसा उनके आगे भागता है, जो पीछे नहीं भागते खुदा उनको प्रोवाइड करता है। और यहां पर लिखा है कि बहुत से लोगों ने अपने दिलों को तरह तरह के जख्म से छली किया हुआ है अपने दिलों को। किस लिए? चूंकि वो ना सिर्फ अपनी बल्कि और बहुत से उन्होंने ईमान से गुमराह होकर, जो राइट है उसको छोड़कर, जो उसका दिन है उसको छोड़कर क्या किया है, इस नदान आदमी की तरह जिसको खुदा ने इतना दे दिया, जिसको समझ नहीं आ रही कि इसको मैं कैसे डाइजेस्ट करूं, इसके साथ कैसे रहूं। और इसने क्या किया है, सोचा है मैं जाऊंगा बड़ी कोठियां बनाऊंगा, उसमें मालो दौलत जमा करूंगा, लेकिन मेरे जीजो आवाज आती है, ए नादान आज रात तेरी जान तुझसे तलब कर लीजिए। किसके लिए करना है? करें अपने बच्चों के लिए, बनाए अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टीज, नो प्रॉब्लम, लेकिन जर की दोस्ती गुनाह है। अगर मैं और आप इस दोस्ती में लगे हुए हैं कि मुझे और आपको मैक्सिमम पैसे या डॉलर इकट्ठे करने हैं तो दैट्स रॉन्ग। लेकिन अगर खुदावंद आपको मेरे जीजो जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें कंटेंटमेंट है, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन है, तो खुदा उसी में ही आपको मुहैया करेगा, खुदा उसी में से आपके बच्चों, बच्चों के बच्चों के लिए प्रॉपर्टी आप छोड़ कर देंगे, खुदा उसी में आपको सब कुछ देगा। लेकिन वो इंसान जिसने अपने आराम को बेसकून किया हुआ है इसलिए वो दौलत को हासिल करे, मेरे जीजो उसके लिए आवाज है, ऐ नादान आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी, क्योंकि तूने राह रास्त को जो प्रॉपर वे है उसको छोड़कर एक गलत रास्ता जिसमें तू ऐशोशत समझता है। यू डोंट नो, ये एक एक दिल की धड़कन खुदा के हाथ में है मेरे जीजो। मैं और आप कई बार ये चीजें हासिल करना चाहते हैं बट नॉट सर की दोस्ती, दोस्ती से नहीं जरूरत के साथ, जो कुछ हमें चाहिए जो हमारी जरूरत है उसी पे कनायत करें, ना कि सर की दोस्ती जिससे दिल को छलनी किया हुआ। एक मिनट का भी सुकून नहीं उनको, उनका इधर भी दिल में एक सुराख है, एक इधर भी है, एक इधर भी है, वैसे भी चार सुराखों पे तो वैसे ही चल रहा है। जर की दोस्ती हर तरह की बुराई है, जड़ है। खुदा पे ईमान रखिएगा, जब जिंदगी में ऐसा सारा कुछ आ जाए उसका शुक्र कीजिएगा, और शुक्र करके छोटे बनकर खुदावन की तमजीद कीजिएगा कि खुदावन मैं इस लायक नहीं था, मैं इस लायक नहीं थी, तूने मुझे सरफराज किया है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। जब भी आप इसी को जो बरकत खुदा ने दी है ऐशो इशरत में स्पेंड करना शुरू करेंगे, उसी वक्त वाज बरकत जाती रहेगी, क्योंकि बरकत उसी वही देता है और वही वापस ले लेता है। तीसरा पीस, पीस इन बोट, कश्ती में सुकून, ये जिंदगी की कश्ती की बात कर रहा हूं। पीस इन बोट, लुक आठ वाक्य लिखा है 22nd वर्स में, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चलें, बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, कश्ती में सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई, फायर इज स्ट्रॉन्ग। कभी आप समुद्र में देखिए जो बड़ी कश्तियां इस तरह घूमती हैं अपने आप को सहारा देने के लिए, इसीलिए जो नूह की कश्ती थी उसके लिए एक स्ट्रक्चर था कि तू गोबर की लकड़ी लेना, साइप्रस वुड, उसकी जो ब्यूटी होती है उस लकड़ी की कि वो डूबती नहीं। गोबर की लकड़ी तू लेना, साइप्रस वुड कुड नॉट बी इनगल्फ्ड बाय द वेव,
ये वाली लकड़ी लेना और जान बचाने के लिए, इसलिए मेरा और आपका मसीहा लकड़ी के ऊपर चढ़ा है, गोबर की लकड़ी लेना, ये नहीं डूब सकते। तीसरा जो पॉइंट हम देख रहे हैं, तीसरा सुकून, जिंदगी की कश्ती जो है हमारी। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो यीशु मसीह के बारे लिखा है और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी। बोट वॉज फिल्ड विद वाटर, पानी एक्चुअली कश्ती में आना शुरू हो गया और जब कश्ती के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है तो फिर वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। और वो खतरा में थे, रियल डेंजर, जब अब बचने वाले नहीं है। ये शागिर्द हैं, यीशु मसीह उनके साथ हैं और तूफान आया है झील में और फिर क्या लिखा है, पानी आ गया और रियल डेंजर में, खतरे में है। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा साहिब साहब हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमर हो गया। और यहाना 14 बाब लिखा है 27 साल में, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। डोंट लेट योर हार्ट बी ट्रबल एंड डू नॉट बी अफ्रेड। और यूहन्ना 14 में लिखा है 23 आयत में, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। मोहब्बत की एक और, अगर आप किसी को चेक करना चाहते हैं ना आपसे मोहब्बत कौन करता है, इवन अपने किसी बच्चे को टेस्ट करें, जो आपकी सुनता नहीं ना वो बिल्कुल आपसे मोहब्बत नहीं करता। जो ओबीडियंस बच्चा नहीं है। और इसी तरह आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, फैमिली, आप किसी को कॉल करते हैं, होते हुए भी जो इनकार कर देता है वो एक्चुअली आपका दोस्त नहीं, जितने मर्जी घंटे उसके साथ बैठकर बर्गर खाएं, नहीं है आपका दोस्त। जो आपकी मुश्किल में आपकी नहीं सुनता, ओबीडियंस नहीं है, रिली वो आपका दोस्त नहीं है। जितने मर्जी पिज्जे खाएं बैठ के, बारबेक्यू करें, बर्गर करें, दैट पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड। जो दोस्त है वो क्या है, वो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। इसीलिए मैं और आप भी आज तक कलाम से बाहर है ना, असल में हमें खुदा से कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तब होगी, क्या लिखा है, ये सुने जो हमें उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। आप किसी को कुछ कहें वो कहेगा हाँ जी मैं आपके लिए रेडी हूं करने के लिए, ये है मोहब्बत। लेकिन जिन्होंने बहाने बहाने रहे तक एक्सक्यूज, नहीं आज नहीं हो सकता, फिर कर देंगे। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, वो आपको बड़ा डीपली आपका मुंह भी चूमेंगे, गले भी लगाएंगे। जो पार्टी वाले होते हैं वो दोस्त नहीं आपके होते, दोस्त वो होता है जो आपको करेक्ट करता है, आपकी करेक्शन करता है। कई आंदे थे यस यस, समझ आ रही सारे। यीशु ने जवाब में उसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वह मेरे कलाम पर अमल करेगा। Obey my teaching। इसीलिए अगर आज तक हम यीशु मसीह पर, खुदा पर ईमान रखते, असल में हमें उससे मोहब्बत ही नहीं है। और आगे क्या लिखा है, बड़ी स्ट्रांग बात है, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। जो मेरे कलाम को सुनता है वो मुझसे मोहब्बत रखेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। और फिर आगे लिखा है और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। हम बाप बेटा पाक लो, क्या वादा है खुदा का कि अगर आप मुझसे मोहब्बत रखते हैं तो मेरे कलाम पर अमल करेंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। यही मेरे अजीजों कश्ती जो है, ये शागिर्द यीशु मसीह के साथ जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह साथ है, क्रिश्चियन है हम, यीशु मसीह सोया हुआ है। चर्च जाते हैं
दसवां ऐसा भी देते हैं यीशु मसीह सोया हुआ है रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ सोया हुआ है। इसलिए तो इनकी कश्ती में पानी आया है और लिखा है कि रियल डेंजर में, खतरे में कश्ती पड़ गई। वजह क्या थी? यीशु सोया हुआ है। मेरी और आपकी जिंदगी में भी अगर यीशु सोया हुआ है तो यीशु को साथ जगाने की जरूरत है। शागिर्दों ने जब देखा कि ये कश्ती जो है ये हमारे पास का रोक नहीं रहा, ये कश्ती जो है डगमगा रही है, अब मरने का मुकाम आ रहा है, ऐ यीशु, ऐ साहब, ऐ साहब, जब यीशु मसीह को उठाया है, यीशु मसीह ने उस तूफान को जीता है, वो लहरें, वो तूफान, वो जोश और खरोश उसी वक्त थम गया और लिखा है और वहां पे सुकून हो गया। मैं और आप अगर सुकून चाहते हैं तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में झुका कर रखने की जरूरत है। अगर आज तक यीशु मसीह मेरी और आपकी लाइफ में सोया हुआ है तो उसको जगाइएगा, ताकि अगर हालात ऐसे आ जाते हैं जिसमें मौत और जिंदगी का सवाल बन जाता है तो मेरे दिलो यीशु मसीह टांग देगा और वो तूफान रुक जाएंगे। प्रेज हिम। यीशु को जगाना है, वो तो हर वक्त जागता है। उसकी लिखा है नजर हर चीज को देखती है, पूरी दुनिया की सैर करती है, लेकिन सोया मेरी और आपकी जिंदगी में जैसे शागिर्दों के साथ है, लेकिन यीशु और इत्मीनान यीशु ने वादा किया है। और अगर तू मेरे मुझसे मोहब्बत रखेगा और मेरे कलाम पर अमल करेगा तो हम तीनों पाप बेटा पाकरू तुम्हारे साथ आकर सुकून करेंगे। आप ये बताएं कि अगर खुदा भी है, बाप भी है, बेटा भी है, तीनों मेरी और आपकी जिंदगी की कश्ती में हमारे साथ है, कौन हमारा मुखालफ हो सकता है? कौन हमें डबो सकता है? कौन हमें गर्क कर सकता है? कौन हमें तबाह कर सकता है? क्योंकि बाप बेटा पाकरू खुदा हमारे साथ है। और लिखा है मैं तुम्हारे साथ सुकूनत करूंगा। सुकूनत विजिटेशन को नहीं कहते, विजिटर आता है चला जाता है, सुकूनत जो करते हैं वो पक्के ही रहते हैं। ये शादी कर दे ना बीवी लिया पक्की रही है थोड़े नाल, बीवी ने सुकूनत की थोड़े अंदर सुकूनत करेगा। इसका मतलब यह है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहेगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू जो कुछ करेगा, तू जिस काम को हाथ लगाएगा, तू जो इवन सोच लेगा, वो मैं तेरे लिए करूंगा, क्योंकि यीशु जागा हुआ है हमारी जिंदगी की कश्ती में। और जबूर 16:23 में लिखा है तेरे हजूर में कामर शादमानी है। ये बेसकूनियां जो हमारी जिंदगी में तीन किस्म की जो आज कही गई हैं, इनको मेरे अजीजों अगर दूर करना चाहते हैं तो फिर मुझे और आपको अपनी जिंदगी की कश्ती को जगा कर रखना है और यीशु मसीह को अगर साथ है, सिर्फ नाम का नहीं, दुआ तक नहीं, कलाम तक नहीं, बोल चाल तक नहीं, दिल में। और दिल में कैसे आएगा? अगर तू मुझसे मोहब्बत रखेगा तो मेरे कलाम पर अमल करेगा, उसकी जो कलाम की बातें हैं जब हम उसको ओबे करेंगे एक्चुअली, तो फिर इसका मतलब है हम उससे मोहब्बत कर चुके। ओबीडियंस, पेरेंट्स किस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं? जो ज्यादा ओबीडियंस है। और मोस्टली बेचारा छोटा ही होता है, बड़े चले जाते हैं छोटे, ऐलिया वो भी एक दिन सिमरन कहती है जब शादी हुई ना रसल की, नहीं तो पता नहीं बर्तन धोने वाले थे, मैंने कहा सिमरन वो बर्तन धोने वाले, कहते रहे मैं क्यों कर रहा हूँ, नू कहो ये कड़ी नू कड़ी है, ये जड़ी आना आंदी है रसल की वाइफ, ये ओदा काम है, मैं इस घर च बर्तन धोने, मैं सदके जाइए, मैं तेन कि दसा, ये नू करो, ये नू का काम है। 12 साल की लड़की है, पता नहीं किसने उसको बताया था काम है। मैंने कहा नहीं, ये खानदान है, ये हम सब का काम है, हम सब ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके, हेल्प करके तो फिर आगे बढ़ना है कश्ती में। मेरे अजीजों, नंबर 1 जो हमने देखा वो यही था कि
अगर तूफान में है तो खुदा ने एक साइन दिया रेमबो का, सुकून का। क्या इंसान, तू एक बार तो बच गया, उन आठ जानों की वजह से फिर दोबारा दुनिया में ये लोग पैदा हुए हैं। मैंने फिर तुझे सेकंड चांस दिया है, इस बार ना करना। सेकंड चांस में ये सुमसी आने वाला है। और दूसरा, ये जो दौलत में पैसों के पीछे अपने सुकून को बर्बाद ना कीजिएगा। ईट गुड, लिव गुड, वेयर गुड, लेकिन इस कदर उसके पीछे ना भागे कि आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। और तीसरी, अपनी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह को जगा के रखें, ताकि आपके ऊपर कभी भी कोई अटैक हो, चाहे शैतान का, चाहे रिश्तों का, या चाहे कोई और, तो वहां पे ऑलरेडी तीन सिपाही आपके बाप बेटा और पाकर मौजूद हो, जो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करे, ताकि जब यीशु मसीह खुदा बाप खुदा बेटा आपके साथ होगा, तो मेरे से किसी तरह के कोई हालात, कोई तूफान, चाहे डगमगाए, चाहे अंधेरियां आए, चाहे तूफान आए, मुझे और आपको नुकसान नहीं देंगे। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बनाए। आमीन।